सो फाइनली गाइज आज की वीडियो में अगली बात करने वाला हूँ इनफिनिक्स नोट 12 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि बैक बटन को चेंज कैसे करेंगे। जैसे अगर आप इस मोबाइल में बैक बटन को चेंज करना तो आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बैक बटन का मतलब होता है कि आप अपने मोबाइल का जो हमारा बटन होता है ए वाला, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इसे लेफ्ट या राइट साइड से बैक हो सकते हैं। तो कैसे करना होगा इस वीडियो में बता दो। आपका जो तीनों बटन होता है आप इसे चेंज करके आज इसमें चेंज बहुत साइड बटन को ला सकते हैं। तो कैसे इसको ऑन करना होगा चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस यहाँ से उसको इनेबल करने के लिए हमें मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। तो मैं देता हूँ मोबाइल के सेटिंग में। आप सेटिंग में आएंगे तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सिस्टम का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज एंड इनपुट मिलेगा। फिर यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, तो हमें सिस्टम नेविगेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखते हैं मेरा भी है 3 बटन नेविगेशन वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे मोबाइल में यहाँ पर 3 बटन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ से जेस्टर नेविगेशन पर भी क्लिक करके यहाँ से आप साइड से बैक हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर देख सकता हूँ। अब इसके ट्यूटोरियल का जेस्टर ट्यूटोरियल को भी समझना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी मैं आपको शुरू दिखाता हूँ। यहाँ पर बैक बटन टू प्रीवियस लेवल यहाँ पर दिया है। फिर इसके नीचे ओपन द रिसेंट एप्स स्क्रीन यहाँ पर इसके बारे में दिया। फिर यहाँ पर स्विच एप्स दिया है। फिर यहाँ पर एक्टिवेट वॉइस असिस्टेंट भी दिया है। तो अब इन सभी को आप एकदम सिंपल तरीके से यूज भी कर सकते हैं। अब आप चलिए जेस्टर ट्यूटोरियल पर आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ से जेस्टर ट्यूटोरियल पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं स्वाइप, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्वाइप फ्रॉम द लेफ्ट इज ऑफ द स्क्रीन। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, परफेक्ट लिख दिया है। फिर यहाँ पर स्वाइप फ्रॉम द राइट इज ऑफ स्क्रीन, तो आप यहाँ से राइट साइड से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसे। फिर यहाँ पर स्वाइप अप विथ बॉटम टू स्क्रीन एंड प्यूज, आप यहाँ से ऊपर की ओर ले जाकर यहाँ से 1 सेकंड तक रुकेंगे तो आपका मोबाइल जो यहाँ पर टास्क रिसेंट वाला ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है स्वाइप अप फ्रॉम द बॉटम ऑन द स्क्रीन। अब आपको इसे होम स्क्रीन में जाना है तो आप यहाँ से सिंपल तरीके से करेंगे तो आप होम स्क्रीन में आ जाएंगे, तो भी हमारा परफेक्ट हो गया है। फिर यहाँ पर स्लाइड अलॉन्ग द बॉटम इडेज ऑफ द स्क्रीन, आप इसको इसको करिएगा तो आप ऐसे इस तरीके में इंटरफेस में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको जिससे यहाँ पर लिखता है हाउ टू एक्टिवेट वॉइस असिस्टेंस को इनेबल करना है, तो आपको यहाँ से इसे ऊपर करेंगे तो वॉइस असिस्टेंस आपका भी इनेबल हो जाएगा। फिर इधर से भी करेंगे तो इधर से भी हो जाएगा, यहाँ पर जैसे परफेक्ट लिख दिया है। तो इस तरीके से आप इसमें जेस्टर नेविगेशन बटन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको ट्यूटोरियल को भी समझ चुके हैं पूरी तरीके से और ऐसे एकदम सिंपल तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।